तो आज मैं होने जा रही हूँ टकली, जा रही हूँ अपने बाल काटने। ये एक साइड के मैंने बाल अपने काटे इतने, अब इस साइड का काटूंगी। कटवाए थे मैंने पहले, बहुत जल्दी बड़े हो गए, थोड़े लट्टे निकले रहते हैं तो फेस की कटिंग अच्छी लगती है और डांस में भी अच्छा लगता है। तो अभी ये साइड का भी काटती हूँ, जब तक बस देखते रहो। तो अभी मैंने अपना बाल काट लिया, इस साइड का थोड़ा सही कटा है और इस साइड का खराब हो गया क्योंकि मेरा हाथ उल्टा पड़ जा रहा था। कोई नहीं, बढ़ेगा दोबारा, मेरा बाल फिर काटेंगे अपने बालों को। और अभी तो फिलहाल जो मेरे ये बाल हैं इनका क्या किया जाए बताओ। हमारे गली में आता है जीरा बेचने वाला, बाल से, फ़ोन से, टूटे फूटे मोबाइल से, टच से, कीपैड फोन जीरा मिलता है और बर्तन वाला भी आता है। तो ये इकट्ठा करके रखते हैं, जो जीरा वाला आएगा जीरा ले लेंगे, या बर्तन वाला आएगा फिर बर्तन ले लेंगे। तो मैं अभी लगाने जा रही हूँ अपने बालों में तेल। इतना बड़ा कटोरा लिया है यार मैंने ना, वो घर बंद कर दी, आलस सी आ गई उस कमरे में जाने के लिए। तो यहाँ पे ये कटोरा रखा हुआ था, इतना बड़ा खाली रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में ही तेल डालूँ। तो मैंने इसमें लिया है तेल बालों में लगाने के लिए। अभी मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा पानी। मैं शुरू से ही ऐसे करते आ रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि तेल और पानी लगाने से बाल थोड़े लंबे होते हैं। पानी तेल के अकॉर्डिंग ही डालना ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी ये तेल मिक्स हो चुका है, ये दिल्ली का तेल है इस वजह से ऐसा दिख रहा है। गाँव का होता तो वो तो वैसे ही डार्क होता है, गाढ़ा होता है, उसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मैं पानी इसलिए डालती हूँ, थोड़ा ठंडक मिलता है सिर को। तो अपने बालों को पहले कंघी कर लेंगे, लट्टे बन रही हैं। कंघी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रंग निकाल निकाल के पूरे सिर में ये ऑयल यूज़ करेंगे। ऐसे मेरी मम्मी लगाती थी बालों में तेल, इस तरीके से मज़ा आता था। अभी ये एक साइड मेरा कम्प्लीट हो गया, अभी मेरे बालों में ऑयल लग गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ऑयल अच्छी तरीके से लग गया है, मेरे तो बहुत ही झड़ते हैं बाल, ये देखो इतने सारे बाल। कल करते हैं शैम्पू। फिर ऑयल करने के बाद ये बीमारों वाला लुक आ जाता है, ऐसा लग रहा है ना कितने दिनों से बीमार पड़ी हूँ मैं। आज मैं लगाऊंगी मेहंदी, तो मेहंदी के लिए मैंने लिए है, ग्लव्स नहीं है मेरे पास, तो मैंने लिए हैं दो पन्नी। ये है मेरी मेहंदी, मैंने दो पैकेट का घोल बनाया है। ये है मेरा सीसा। चलते हैं बाहर गैलरी में बैठ के आराम से लगाएंगे मेहंदी। मेहंदी लगाने से पहले मैं झाड़ लेती हूँ अपने बाल, क्योंकि कल मैंने बाल धोया था। बाल धोने के बाद मैंने बाल झाड़े नहीं है अपने, ये देखो कैसे लट्टे लट्टे से बने पड़े हैं, अच्छे लग रहे ना। तो चलते हैं बाहर बाल झाड़ने। घर में नहीं झाड़ सकते क्योंकि खाने में पड़ेगा, और खाने में पड़ेगा तो फिर मुंह में आएगा बाल जो कि किसी को पसंद नहीं है। ये तो मैंने मेहंदी लगा लिया है और मैंने बनाया जूड़ा। मैं फेस इसलिए नहीं दिखा क्योंकि बहुत बकवास लग रहा है मेरा फेस। मैंने बनाया शंकर जी का जूड़ा। तो ये मेरे बालों में मेहंदी लगाने के बाद की शाइनिंग है। मेहंदी सूट करता है तो मेरे बाल कम झड़ते हैं, तो मैं इसलिए मेहंदी यूज़ करती हूँ, और बाल काफ़ी सिल्की भी हो जाते हैं। तो मेरा बाल मेहंदी ना लगाओ ना तो कुछ ज़्यादा ही टूटता है, और बाल हमेशा साफ रखो, बाल गंदे होने से भी बाल टूटते हैं। तो ये थी मेरे बालों की केयर। मैं अपने बालों की केयर से मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी बता देना। और बाकी बालों से रिलेटेड जितना मुझे पता रहेगा मैं बता दूँगी, पेट दूँगी, बता रही हूँ छोड़ दे। मैं बैठी कहाँ हूँ, मैं इसलिए बैठी हूँ ना क्योंकि इधर धूप आ रहा है, इधर सारा छाया छाया है और फेस भी अच्छा नहीं आ रहा है। इधर धूप आ रहा है, थोड़ा धूप फेस पर पड़ रहा है ना तो वीडियो भी क्लियर आ रही है। मैं बैठी हूँ यहाँ पर देखो, मैं गिरूंगी ना तो सीधा हाथ पैर टूट जाएगा और मन जाएगी मेरी दिवाली अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा लेट से वीडियो आती है और मैं वीडियो बना नहीं पाती क्योंकि मेरी बहन सपोर्ट नहीं करती है, जो कि ये बैठी हुई है। बिल्कुल भी कुछ भी, कोई मेरे घर में कोई उतना सपोर्ट नहीं करता है, जो भी करना होता है ना मैं खुद अकेले करती हूँ सब कुछ। इन लोगों को बस शरारत करने के लिए कह दो, उल्टा सीधा काम करते रहेंगे, बस ये नहीं कि थोड़ा हेल्प करते, नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।